हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो मैं आप वीडियो बना रही हूँ, ये कुछ शॉर्ट टॉपिक्स की है, जैसे कि आपका यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है और आपका इलेक्शन कमीशन की। जैसे आपने न्यूज़ देखी होगी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का डेट अनाउंस हो गया है, दैट इज 18th of July। तो कौन कंडक्ट कराता है, किस आर्टिकल के अंडर जो है आपके इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं जो आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारे इंडिया में यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है। यूनिकैमरल मतलब जहां पर केवल वन हाउस है या फिर वन असेंबली है, एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि जहां पर पावर दो पार्ट्स में स्प्लिट होती है। तो बाइकैमरल का एग्जांपल हो गया एक तरह से पार्लियामेंट, जहां पर दो हाउसेज हैं आपके, लोकसभा एंड आपका राज्यसभा। इसके बाद जो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है हमारे 6 स्टेट में है। आउट ऑफ 28 स्टेट, 6 स्टेट है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। और वो स्टेट्स कौन कौन सी हैं आपकी, सबसे पहली है आपकी आंध्र प्रदेश, सेकंड है आपकी बिहार, थर्ड है आपकी कर्नाटका, फोर्थ है आपकी महाराष्ट्र, फिफ्थ है आपकी कर्नाटका, एंड 6th है आपकी उत्तर प्रदेश। तो ये वाली जो जितनी भी स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बाकी जो रेस्ट बची उनमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। इसके बाद आता है आपका कि इलेक्शन जो है कौन कंडक्ट कराता है आपका प्रेसिडेंट का, तो दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324। उसके बाद आता है आपका किस आर्टिकल में जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, तो वो है आपका आर्टिकल 54, जिसके अंदर इलेक्शंस जो है प्रेसिडेंट के कंडक्ट कराया जाता है। तो वो आपके किस किस के थ्रू होता है, मेंबर ऑफ कौन कौन से मेंबर्स के थ्रू होता है। तो सबसे पहले जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, वो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ कौन कौन से मेंबर्स हैं। सबसे फर्स्ट है आपका इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो ये था आपका जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ये किस आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 54, और जो कंडक्ट कराता है वो कराता है इलेक्शन कमीशन बॉडी आर्टिकल 324 से जो डील करती है। एंड जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जिसमें कौन कौन से मेंबर्स कंसिस्ट होते हैं, आपके इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक। थैंक यू सो मच।